जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के राशिफल की। धनु राशि के राशिफल में दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके प्रेम संबंध की, वैवाहिक संबंध की, धन की, व्यापार कारोबार की, नौकरी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सभी बातों पर चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप धनु राशि वालों के दिसंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनके किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। कौन कौन से अक्षर धनु राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। चलिए धनु राशि वालों के दिसंबर महीने के राशिफल की बात कर लेते हैं कि धनु राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। थोड़ा इस महीने आपको ज़्यादा भाग दौड़ दिख रही है और खर्चों की अधिकता दिख रही है दिसंबर के महीने में भी, तो खर्चों की अधिकता को लेकर तनाव हो सकता है। बाकी सरकारी कार्यों में सफलता के योग हैं और आपको अचानक यात्रा हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अचानक धन लाभ के योग भी इस महीने रहेंगे, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। चलिए प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि आपके तीसरे भाव में पड़ती है और कुंभ राशि से और तीसरे भाव से पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देंगे और सप्तम दृष्टि नवम भाव को देंगे और नवम दृष्टि एकादश भाव को देंगे। तीनों दृष्टियाँ देखिए गुरुदेव की अच्छी हैं। पहली दृष्टि पंचम सप्तम भाव पर, यानी व्यापार कारोबार में लाभ होगा आपको, व्यापारिक पार्टनर से लाभ होगा, जीवन साथी से लाभ होगा। नवम भाव में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। एकादश भाव में आय में सफलता मिलेगी। तो प्रथम भाव के परिणाम आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। दूसरे भाव की बात करें, मकर राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर यहीं पर है। धन भाव में ही धन भाव के स्वामी का गोचर है, धन के लिए अच्छा है। पारिवारिक वाद विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी दूसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। तीसरे भाव की बात करें, कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, दूसरे भाव में गोचर है। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा वाद विवाद से आपको बचना होगा, हालांकि अपनी राशि में इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मित्रों से साथ आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, उनसे कोई संबंध ना खराब हो। हालांकि गुरुदेव यहाँ पर हैं इसलिए सारी बातें अच्छी रहेंगी और सारी बातें सुलझ जाएंगी। तो छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। चौथे भाव की बात करें, मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव तीसरे भाव में हैं, चौथे भाव के स्वामी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पारिवारिक वाद विवाद से थोड़ा बहुत बचना होगा, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसलिए कोई मामले ऐसे नहीं होंगे जो दिक्कत की बात आए, परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पंचम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर से और पूरे महीने रहेंगे। वृश्चिक राशि 12वें भाव में पड़ रही है और राहु केतु के एक्सिस में है। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। 5 दिसंबर के बाद शिक्षा में आपको दिक्कत हो सकती है, एकाग्रता में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में रहेंगे और 6ठे भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर भी दृष्टि होगी और तीसरे भाव पर दृष्टि होगी। तो इसलिए आपको शिक्षा में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता में कमी दिखेगी। एकाग्रता आपको बनाकर रखनी होगी, एकाग्रता के लिए आपको कोशिश करनी होगी और तो फिर शिक्षा के परिणाम अच्छे हो जाएंगे। मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही शिक्षा के परिणाम अच्छे मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों में तकरार संभव है, विवाद संभव है, कोई भी गलत फहमियाँ प्रेम संबंधों में पुरानी निकल कर आ सकती हैं, पहले की आ सकती हैं, जो आपने एक दूसरे को नहीं बताई हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी बातें हैं तो उनको स्पष्ट रूप से करके सुलझा लें, वरना प्रेम संबंधों में 5 दिसंबर से लेकर दिसंबर के महीने में वाद विवाद संभव है। और अगर आप संयम से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात को नहीं सुनेंगे, गलत फहमियों को नहीं सुनेंगे, तो आपके प्रेम संबंध अच्छे जाने वाले हैं। छठे भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके 8 दिसंबर तक धनु राशि में, यानी आपकी राशि में ही हैं, फिर मकर राशि में हैं।
तो छठे भाव के स्वामी 8 दिसंबर तक धनु राशि में, आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और फिर मकर राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, और कोई भी धन खर्च हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य पर, इस बात का ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध वृश्चिक राशि में 10 दिसंबर तक हैं, फिर धनु राशि में हैं। तो बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी भी हैं, पहले वृश्चिक राशि में हैं फिर धनु राशि में हैं। तो वृश्चिक राशि में हैं 10 दिसंबर तक, तो इस टाइम पर आपको अपने साथी से वाद विवाद से बचना होगा, व्यापारिक पार्टनर से वाद विवाद से बचना होगा, और आपके व्यापार में खर्चे अधिक हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। और जब 10 दिसंबर के बाद धनु राशि में चले जाएंगे तो वो सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, व्यापार कारोबार में लाभ मिलेगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, तालमेल अच्छा रहेगा, और व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे, व्यापार कारोबार में उन्नति होगी, अगर नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। अष्टम भाव की बात करें, कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले प्रणाम देंगे, शनि की दृष्टि रहेगी वहाँ पर, पूरे महीने रहेगी, तो शनि की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा आपको धन लाभ के योग, तो धन भाव के स्वामी शनि हैं तो आपका अचानक कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन धन हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपकी उन्नति होगी। नवम भाव की बात करें, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य 15 दिसंबर तक 12वें भाव में हैं, फिर आपकी राशि धनु राशि में ही रहेंगे, तो 15 दिसंबर तक भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए, पिता से वाद विवाद से बचना होगा, और धर्म कर्म में थोड़ा खर्च हो सकता है, 12वें भाव में हैं, विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है तो लाभ हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। जब धनु राशि में चले जाएंगे तो आप अगर कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा, कोई सरकारी कार्य करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उससे भी लाभ मिलेगा, यानी 15 दिसंबर के बाद आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। दशम भाव की बात करें, स्वामी बुध हैं और बुध 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में हैं, यानी व्यापार कारोबार को लेकर, विस्तार को लेकर खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, फिर धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद आपके व्यापार कारोबार में अच्छी उन्नति, नौकरी क्षेत्र में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आय भाव की बात करें, तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 8 दिसंबर तक आपकी राशि में, फिर मकर राशि में हैं, मकर राशि में हैं, धन भाव में हैं, आय भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में अच्छा गोचर है, और आपकी राशि में हैं तो भी गोचर अच्छा है, कुल मिलाकर अच्छे परिणाम होने वाले हैं दोनों गोचर से, यानी आय के मामले में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, तो ये शुक्र का जो गोचर है आपके लिए अच्छा रहेगा, ये परिणाम आपको अच्छे देने वाला है इस महीने। 12वें भाव की बात करें, वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है, और मंगल अपनी ही राशि में 5 दिसंबर के बाद पूरे महीने रहने वाले हैं, उसके पहले आय भाव में रहेंगे, तो आपको खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होगा, बहुत ही आवश्यक होगा, खर्च और प्रेम संबंधों में थोड़ा वाद विवाद से भी बचना होगा, खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, कोई कर्ज वगैरह लेने देने से बचें, अगर कोई कर्ज लेते हैं तो उतरना मुश्किल होगा और दिया हुआ उधार वापस आना मुश्किल होगा, और इस टाइम पर आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कर्ज लेने की कोई नौबत ना आए। विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है आपका, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। तो मित्रों, कुछ इस तरह के गोचर के परिणाम रहने वाले हैं दिसंबर के महीने में। उपाय की बात करें तो आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद भी समय समय पर लेते रहें, और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं, चने की दाल मंदिर में दान करें, और या फिर आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल भरकर गुरुवार को गाय को खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, रोजाना ना लगा सकें तो गुरुवार को अवश्य लगाएं, पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, हनुमान जी की पूजा उपासना से भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से कोई भी उपाय आप करें तो मित्रों आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपको धनु राशि वालों के दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है।
क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।